अभी हम देखेंगे जो ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम फिर से। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है एक्चुअली में? ट्रांसफर फंक्शन होता है रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट रेस्पॉन्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मैंने इधर बनाया हुआ है, ये सिस्टम बनाया है, आर टी इनपुट है और बीच में सिस्टम है और सी टी उसका आउटपुट है। ये नॉर्मल सिस्टम है। अब इसका लैपलास अगर लिखेंगे, लैपलास में लिखेंगे आर एस, फिर बीच में लैपलास ट्रांसफॉर्म और सी एस। तो ये देखो लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर होता है? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, दैट इज सी एस अपॉन आर एस। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम है सबसे पहले उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। जब उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाती है सिस्टम की, पर्टिकुलर सिस्टम की, उसके बाद हम उसको उसका जो डी वाई डी टी होता है उसको रिप्लेस करते हैं एस के साथ। ठीक है, जहां पर भी डी वाई डी टी होगा वो उसके उसको हम निकाल के एस लगा देंगे उधर। जहां पर भी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगी तो वो क्या बन जाएगा? वन बाय एस। ठीक है, वो बन जाएगा आपका वन बाय एस। तो अभी हम थोड़ा नया एक दो नया हम निकालेंगे इसमें, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। जैसे सिंपल ट्रांसफर फंक्शन बनाऊंगा मैं ऐसे, ये देखो। ठीक है, ये आपका आ गया आर, ये आपका आ गया एल। तो इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है इसका? ये देखो आर के अक्रॉस निकालना हमने, ये क्या होता है? आउटपुट बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। आउटपुट क्या है? आर। तो इसमें क्या है हमारा इनपुट में, टोटल इनपुट क्या है? आर प्लस एल। ठीक है, ये आ गया हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको कई जगह हम जी एस भी लिखते हैं। ठीक है, अब नया एक और दिखाता हूँ मैं, ये आ गया एक। दूसरा करते हैं, अभी हम दूसरा देखेंगे इसमें। ये भी कैपेसिटर लगाया हमने, इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैपेसिटर सी आ गया और ये आर आ गया। तो उसमें देखो अब कैपेसिटर की जगह क्या लिखते हैं हम? वन सी एस लिखते हैं हम। ठीक है, सी जहाँ पे कैपेसिटर होगा वहां पे सी एस आएगा, उसके बाद फिर से आर प्लस वन बाय। ठीक है, जब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसे आएगा और सी एस प्लस वन सी एस कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा? डिवाइडेड बाय वन प्लस और सी। ठीक है, तो ये देखो ट्रांसफर फंक्शन निकालना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस कंसेप्ट होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। जी एस और टी एस एक ही चीज़ है, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके अलावा हम चलो एक आधा और निकालते हैं। इसमें एक चीज देखने वाली है, ये देखो इधर सी के अक्रॉस निकालना है ना, सी आउटपुट है इधर, तो सी आपका वन बाय सी एस आ गया, वन बाय सी एस आ गया, तो इनपुट में आपका दोनों लेग्स आएंगे आर प्लस वन बाय सी एस। ठीक है, तभी आपका आउटपुट आता है। ट्रांसफर फंक्शन में ये है, इनपुट में सब कुछ है। ठीक है, अब एक और देखते हैं हम थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए। अब ऐसे ही थोड़ा सा आप चेंज करोगे ये, ये बन जाएगा एस आर सी डिवाइडेड बाय। ठीक, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं ट्रांसफर फंक्शन की ना, वो मैं थोड़ा बताता हूँ अभी इधर। इसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं ट्रांसफर फंक्शन, अगर
T1 हो, साथ में एक और T2 आ जाए, इनपुट एक ही हो अगर इनका वाई है, तो ये इसको हम रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकते हैं T1 मल्टीप्लाई ऑफ T2, ठीक, मल्टीप्लाई हो जाता है ये, ठीक। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं ट्रांसफर फंक्शन की, अगर ये ऐड हो रहा है, जैसे इसको कई बार ऐसे लिखते हैं हम, ये फीडबैक लूप समझ लो, ठीक है, ये ऊपर से T1 है, ये T2 है, अगर एडिशन में है, अगर एडिशन में है तो ये बन जाएगा आपका T1 प्लस T2, ठीक है, इसको इस तरह से भी रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, अभी इसमें थोड़ा पेन में दिक्कत आ रही है, चलो फिलहाल इतना ही काफ़ी है, ठीक है, इतना ही ट्रांसफर फंक्शन आपको समझ आया तो आप आगे कर सकते हैं।